चलो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसमें, थोड़ा फेयर वैल्यू गैप के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो उसको मैं थोड़ा क्लीन करता हूँ, पहले समझाता हूँ आपको फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। यही मैंने पिछले क्लास में बताया था सर, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दे देना। देखो सर, फेयर वैल्यू गैप मतलब हुआ तो मार्केट के ना, मार्केट जैसे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए तो एक ना गैप क्रिएट कर देता है कभी कभी मार्केट। मार्केट जैसे गैप अप ओपन हुआ, गैप डाउन हो गया, तो मार्केट फिर कितना प्रोबेबिलिटी होता है कि मार्केट उस गैप को फिल करने के लिए आएगा। जैसे सपोज करो ये तीन कैंडल बन रहा है ऐसे ऐसे, समझ रहे हो सर, तीन कैंडल बना इस टाइप का। तो मैं बात करूँ इस कैंडल का, देखो इस कैंडल का हाई लेंगे, ठीक है, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो, ठीक है, इस कैंडल का हाई मार्क करेंगे। ये फर्स्ट वाला कैंडल हुआ और ये हुआ क्या मेरा सेकेंड वाला कैंडल हुआ, इसको छोड़ के, इस कैंडल को छोड़ के, और ये हुआ मेरा थर्ड वाला कैंडल, समझना, इस कैंडल का थर्ड, इसका लो, इस टाइप का लो। इस दोनों के बीच में जो गैप होगा ना, उसी गैप को हम लोग बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप। फेयर मतलब क्या होता है, प्राइस, एफ वी जी बोलते हैं इसको, ठीक है, एफ वी जी, समझना। देखो आप करो, सपोज करो इस टाइप का बनेगा मार्केट में कैंडल, तो होगा इस टाइप का कैंडल बना, एक कैंडल यहाँ बना, दूसरा कैंडल क्या हुआ इसके ऊपर क्लोजिंग दिया इस टाइप का, इस टाइप का कैंडल बना यहाँ पे थोड़ा सा गैप। तीसरा कैंडल क्या हुआ इस टाइप का बना, ठीक है। अब मैं बात करूंगा फेयर वैल्यू, तो इस कैंडल का फर्स्ट कैंडल ये हुआ मेरा सेकंड कैंडल, ठीक है, और ये हुआ मेरा क्या थर्ड कैंडल, समझना सर। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस कैंडल का हाई को मार्क करेंगे और सेकंड को छोड़ के थर्ड वाले को क्या करेंगे हम लोग, लो को मार्क करेंगे। इसको जो गैप है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एफ वी जी, फेयर वैल्यू गैप, मतलब प्राइस गैप जिसको बोलते हैं, समझ में आया सर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू। अगर ये तो हमारा क्या अप ट्रेंड में, अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, हम लोग ऐसे मार्क करेंगे, मतलब ये होता है कि फेयर वैल्यू गैप बनता क्यों है, फेयर वैल्यू कारण? इसलिए गैप बनता है ना कि मार्केट में फेयर मतलब प्राइस का इंक्रीमेंट। अगर मान लो अब बहुत ज्यादा बाइंग आ गया, सपोज करना बहुत ज्यादा बाइंग आ गया, तो जैसे कभी कभी देखते हो मार्केट गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन ओपन हो गया, उसी तरह क्या होता है ना, अगर कैंडल जो है बहुत ज्यादा बाइंग ऑर्डर आ रहा है ना, तो उसमें क्या होता है गैप क्रिएट कर देता है मार्केट, तो फिर बाद में मार्केट उस गैप को फिल करने के लिए आता है वो, समझ रहे हो। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ मार्केट जैसे आज मार्केट यहाँ चल रहा था, कल मार्केट यहाँ ओपन हो गया, ठीक है, तो इसके बीच में कौन था बता बताइए, यहाँ बायर था कि सेलर था, काम तो बायर था, तो इसी को हम लोग, इसी जो गैप है ना, इसी गैप को हम लोग बोलते हैं एफ बी जी गैप, फेयर वैल्यू गैप। तो इसी तरह क्या होता है लगातार कंटिन्यू कैंडल ऐसे 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 बायर्स के पेंडिंग ऑर्डर रहते हैं, इसलिए वापस उनको क्लियर करने के लिए ही आता है ये गैप। हाँ, बस उसी को समझना कि फेयर वैल्यू गैप होता है। जैसे ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होगा, ट्रेंडिंग मार्केट में समझो, जैसे ट्रेंडिंग मार्केट में इस टाइप का गया यहाँ पे, ये समझ लो कैंडल बना यहाँ पे, ये कैंडल बना, एक दूसरा कैंडल बना इस टाइप का बना, ठीक है, और तीसरा जो कैंडल बना इस टाइप का बना, ठीक है। अब इस दोनों के बीच में देखो, इस कैंडल के बीच में और इस कैंडल के बीच में गैप होना चाहिए। फिर देखो एक केस ऐसा भी होगा कि अगर मान लो ये कैंडल ऐसा है, दूसरा कैंडल क्या हुआ इसके ऊपर जस्ट क्लोजिंग दिया इस टाइप का, समझना, इस टाइप का कैंडल बना, और तीसरा कैंडल क्या हुआ यहाँ तक विक्स इसका आ गया, यहाँ तक विक्स आ गया और यहाँ से चला गया, तो इसके बीच में गैप नहीं है। क्यों नहीं गैप, इसका विक्स और इसका विक्स क्या हुआ मीट कर गया, इसका मतलब क्या हुआ गैप को फिल नहीं था, उसको पूरा फिल करके चला गया, इसको बोलते हैं मिटिगेशन, बोलते हैं इसको मिटिगेशन बोलते हैं, मतलब मीट कर गया ऑर्डर को, फुलफिल कर लिया वो, समझ में आ गया। ये मेरा वो अप ट्रेंड का, अब देखो ये तो था अप ट्रेंड का, हम लोग थोड़ा डाउन ट्रेंड में देखते हैं, डाउन ट्रेंड में कैसे होता है मार्केट में। सपोज करो एक कैंडल ये बना इस टाइप का रेड कैंडल, ठीक है, कलर से कोई मैटर नहीं, मैंने बताया था क्लास में ही, एक कैंडल ये हुआ, दूसरा कैंडल को मैंने यहाँ पे मार्क किया, समझना, तीसरा कैंडल को इस टाइप को मार्क किया यहाँ पे, विक्स भी रहेगा इस टाइप का, इसका भी थोड़ा सा विक्स रहेगा इसका, इस कैंडल का हम लोग क्या करेंगे लो मार्क करेंगे, समझ, आवाज आ रही है, आवाज बंद करो, इस कैंडल को लो मार्क करेंगे और इस कैंडल का क्या करेंगे लो हाई मार्क करेंगे। इसके बीच में जो गैप है ना, इसी को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, समझना। अब इसको थोड़ा सा हम लोग चार्ट पर चलते हैं, अगर इसमें वो इसको फेयर वैल्यू, हाँ, फिर इस टाइप का कैंडल हो गया, इस टाइप का कैंडल एक बना यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा कैंडल इस टाइप का बना यहाँ पे, और तीसरा कैंडल का अगर मान लो ये विक्स, इस कैंडल के विक्स वो मीट कर गया इस कैंडल के साथ, इस कैंडल के साथ मीट कर गया, देखो दोनों का इसका इसका मीट गया, ये मतलब फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज को। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, ये आगे का टॉपिक है, तो थोड़ा हम लोग चलते हैं चार्ट पे, दिखाते हैं आपको फेयर वैल्यू गैप कैसे पहचानते हैं। पहले देखो यहाँ पे सपोज करो, देखो मार्केट में क्या हुआ सर यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका,
ये देखो ये कैंडल मैंने सपोज करो यहाँ कैंडल लिया, यहाँ से देखो यहाँ पे लगातार कैंडल पकड़ो, ये कैंडल एक है यहाँ पे, इस कैंडल का हाई बताया था, इस कैंडल का क्या करेंगे लो लेंगे यहाँ से, देखो लो, तो यहाँ पे क्या क्या है फिर वैल्यू गैप है यहाँ पे, है ऐसे यहाँ पे, उसी तरह और भी कैंडल पकड़ो आप यहाँ पे, चलो चलो इधर देखो, इधर है फिर वैल्यू गैप देखो, है नहीं इधर देखो ना सर, ये देखो ना ये यहाँ पे ये है, इस कैंडल का लो देखो, कैंडल के बीच में लो है यहाँ पे, फिर वैल्यू गैप हो गया देखो, है कि नहीं बताओ, ये गैप है ना, इस गड़बड़ कैंडल, इस कैंडल का अगर लो यहाँ तक आ जाता, इस कैंडल का लो इसके साथ मिल बैठ कर जाता तो फिर वैल्यू गैप नहीं होता, ये तो मैं टाइम फ्रेम कम लिया हूँ, थोड़ा और भी चलते इधर बताओ, अब लोअर साइड में दिखाता हूँ देखो, इधर लो साइड में मैं दिखाता हूँ, मार्केट यहाँ से फॉल हो रहा था, इस कैंडल को मैंने क्या किया, फर्स्ट कैंडल हुआ मेरा, ये सेकेंड कैंडल हुआ, थर्ड कैंडल मेरा क्या हुआ, ये हुआ देखो, इस कैंडल के बीच में देखो ये वाला कैंडल क्या हुआ, पूरा भी टच कर गया इसको, देखो यहाँ पे गैप नहीं बोलेंगे इसको, गैप फिल कर दिया इसने। हाँ गैप फिल कर दिया, इसको नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना देखो, कैसे समझना पड़ेगा आपको, अब आप पकड़ रहे हैं ये चीज़ों को समझना पड़ेगा, अब यहाँ पे देखो इसको ले सकते हैं बताइए, हाँ ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो तो इसका 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 हाई लिए, इसको नील को छोड़े इसका लो, यहाँ पे इसको इक्वल मिटिगेट कर दिया, यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे देखो, इस कैंडल का हाई लिए, इस कैंडल का लो, जो गैप है यहाँ पे, अगर मार्केट में ये गैप है तो अगला जो मार्केट ऐसे गिरेगा गिरेगा, लेकिन इस गैप तक आएगा, देखना इस गैप तक आया मार्केट, यहाँ पे देखो गैप को फिल किया, यहाँ पे इधर देखो यहाँ पे, हाँ और फिर गैप फिल करके फिर मार्केट गिरा है, ये देख रहे हो आप, और मैं दिखाता हूँ आपको इधर, इधर देखो बताओ कहाँ पे फिर है गैप बताओ, यहाँ पे देखो प्रकाश सर, ये गैप है यहाँ पे देखो, पेंडिंग है यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, और ये क्या हुआ सेकंड थर्ड कैंडल हुआ यहाँ पे, और ये सेकंड कैंडल देखो गैप है इसमें, इस गैप को फिल करने मार्केट आएगा, देखो यहाँ पे आया कि नहीं आया, देखो ऊपर गया लेकिन इसको फिर आया, फिर यहाँ से देखो फिर टेस्ट किया यहाँ पे, फिर नीचे गिर गया, और ऊपर साइड का भी खोजो, इसी तरह से गैप फिल करना पड़ेगा, चलो इसको थोड़ा सा हम लोग चार्ट पे चलते देखते हैं मार्केट में कैसे ये गैप को फिल करता है, अभी देखो मैंने 5 मिनट्स का लिया, ये 5 मिनट में 4 आवर का 3 आवर का 2 आवर का करोगे तो क्लियर दिखेगा आपको, चलो थोड़ा सब लोग गो चैटिंग पे चलते हैं, अब देखो यहाँ पे है गैप ना है, गैप फिल हो गए। कहाँ गैप फिल हुआ, यहाँ देखो ना गैप तो अभी है ही मार्केट में, तो हमें क्या करेंगे इसको हम लोग नहीं इसको बैक इधर का नहीं करा, इधर का मार्केट अब गिर रहा है ना, तो गिर वर गिरने वाले थे, यहाँ पे एक मैंने बताया था इसको, मैं एक लाइन को मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक का इस कैंडल को मैं ले रहा हूँ, ठीक है इस कैंडल को देखो यहाँ पे, ठीक है इस कैंडल को ले रहा हूँ, और एक मैं यहाँ पे लाइन ले रहा हूँ, इसमें ये इस गैप दोनों है। कैंडल को मैं ले सकता हूँ ना, यहाँ देखो ये दो कोनों कैंडल है ना यहाँ पे, ये फेयर वैल्यू गैप हुआ, दोनों के बीच में फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल छोड़कर थर्ड कैंडल दोनों का अभी मिटिगेट नहीं हुआ है ना, देखो यहाँ पे नहीं हुआ ना ये, अब यहाँ पे हमारा क्या है कि मार्केट यहाँ तक एक बार टेस्ट करने आएगा, ठीक है क्यों, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है, चलो अब गिरने दो मार्केट को, देखो गैप को फिल कर गया यहाँ पे, टेस्ट कर दिया, अभी देखते जाओ कोई बात नहीं, मेजर यहाँ पे है देखो आ गया, वहीं से मार्केट बैक होगा, यहाँ पे आया मार्केट फिर यहीं से बैक होगा, देखो गिरने गिरेगा यहीं से, चलो ऊपर चला गया कोई बात नहीं, अब यहाँ पे मतलब मार्केट ने यहाँ किया कि गैप था, फिर यहाँ से ऊपर गैप फिल किया, फिर अब आगे का, तो आगे कोई फेयर वैल्यू गैप बनेगा तो हम लोग उसको फिर से देखेंगे, चलो ठीक है। अभी देखते जाओ, अब मुझे बताओ इधर कहीं फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है क्या आपको, इधर देखो तो कहीं पे, यहाँ पे इस कैंडल दोनों के बीच में है, ग्रीन कैंडल वाला है फेयर वैल्यू गैप। ये वाला देखो ना, ये वाला है यहाँ पे, ये दोनों के बीच में है यहाँ से, मतलब मार्केट क्या होगा यहाँ तक आएगा, है कि नहीं यहाँ तक आएगा, इस लाइन को इसको गैप है यहाँ पे, तो गैप को फिल करने आएगा, देखते जाओ अभी, चलो इसको हम लोग प्ले करते हैं,
ये मार्केट में क्या हुआ, स्केच क्या होता है ना, गिर जाता है ऊपर चला जाता है, 1 मिनट रुक जाओ, आगे चला गया। चलो मार्केट का अप ट्रेंड है, वो तो बाद में फील करेगा सर, आएगा लेने को। लेट लेट से आएगा, मैं 15 रुपये समझाने के लिए कह रहा हूँ, लेट से तो आएगा ही, कोई बात थोड़ी ना है। अभी मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना हुआ, देखो इस दोनों के बीच में है यहाँ पे, ये वाला हाँ है। इस कैंडल का नहीं, ये इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो दोनों के बीच में है, इस कैंडल से हमें कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना इस कैंडल्स। तो मैं इसको लाइन को मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो अभी अप ट्रेंड का यहाँ तक आएगा मार्केट को, पेंडिंग ऑर्डर करने के लिए मैं प्ले कर रहा हूँ इनको। देखो आ गया, देखो एक ही बार में आ आया, गया के गिरा, अब यहाँ पेंडिंग ऑर्डर लिया। अब फिर यहाँ से क्या होगा, मार्केट अपना कंटिन्यू ट्रेंड करेगा, नहीं तो फिर मार्केट का ट्रेंड होगा। यहाँ भी देखो यहाँ भी गैप है, ठीक है, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल के लोग दोनों बीच में गैप आएगा कि नहीं, बताइए। बारे ये दोनों के बीच में गैप आएगा तो फिर यहाँ तक भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं। यहाँ पे एक एक तो मैंने फील हो गया, दूसरा देखते हो। चलो अब देखो यहाँ पे फिर सब पेंडिंग है, ये कैंडल और ये कैंडल का हाई मार्क करेंगे तो इसमें भी गैप है देखो यहाँ पे, तो फिर मार्केट इसको फिल करने के लिए आएगा। देखो चलो अब ट्रेंड चला गया, चलो आने दो, आएगा जरूर वो। अभी करेंट कंटिन्यू ट्रेंड है तो ट्रेंड को फिल करने आएगा। अभी हम लोग 15 मिनट के लिए 4 आवर में एनालिसिस करना सही रहता है, ठीक है, नहीं तो उसमें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा पूरा। यहाँ तक मार्केट आएगा, ये जो है ना गैप, इस गैप तक आएगा, देखो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, ये लाइन देख रहे हो, अब यहाँ लाइन तक आएगा। हाँ, वो तो गैप फिल करने तो आएंगे ये गैप का है यहाँ पे, जितना दिन में आए तो जो भी टाइम लगे, ये बड़ा पेंडिंग होता है तो बड़ा ऑर्डर होता है तो बहुत बड़ा टाइम के लिए भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं अभी आज ही 21 दिन में आ जाएगा यहाँ पे। अभी मेरा पूरा मार्केट साइडवे चल रहा है, देखो यहाँ पे। चलो अब ट्रेंड अब निकल गया मार्केट, अब देखो यहाँ से फिर एक हम लोग गैप पकड़ेंगे, देखो मार्केट गिर गया क्या यहाँ पे। चलो लंटिंग करने आया है। अब कैसे लंटिंग करेगा, यहाँ देखो पेंडिंग ऑर्डर सबसे है ना ज़्यादा यहाँ पे, देखो आ गया यहाँ पे, ये गैप को तो फिल कर दिया यहाँ पे, यहाँ भी गैप था तो यहाँ फिल कर दिया इसको, हमारा ये वाला गैप पेंडिंग बचा हुआ है। अब देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखो इस दोनों के बीच में गैप है सर, देखो तो यहाँ से इस कैंडल का हाई, इस कैंडल के लो के बीच में कोई गैप है, नहीं है कोई गैप है, बताओ बेटी गेट कर गया यहाँ पे। अभी के हिसाब से कोई गैप है इस कैंडल में, बताओ, इस कैंडल का हाई कहीं नहीं है, पूरा गैप फिल करते हुए मार्केट नीचे गिर रहा है, देखते जाओ। चलो एक तो गैप को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखो ये गैप को फिल भी कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे आ ही गया एकदम, तो समझ लो। तो देखो आगे कि नहीं आगे, देखो यहाँ पे बस एक कैंडल आ जाएगा फिर गैप फिल हो जाएगा वो। यहाँ तक आया है, यहीं से स्टार्ट हुआ, यहीं फिर आ गया यहाँ पे, इसको थोड़ा मैं बड़ा टाइम फ्रेम लेता हूँ ना, तभी यहाँ पे देखो फिल करने आया कि नहीं आया, देखो हाँ, हो गया ना, गैस फिल हो ये वाला फिल गया। हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से फिल होगा, फिर अब मार्केट जिधर जाना हो जाएगा। अब ऐसे के हिसाब से बार बार देखो तो एक ना यहाँ पे बन रहा है, देखो यहाँ पे इसके पास भी एक छोटा सा गैप बन रहा है, देखो यहाँ पे ये लाइन है, यहाँ पे, यहाँ पे। अब देखते हैं क्या होता है, प्ले करके देखते हैं, देखो उसको भी फिल कर दिया, उसको भी फिल करके देखो फिल हो गया, यहाँ से यहाँ था, यहाँ भी इसको भी फिल कर दिया, देखो उसको भी फिल कर दिया, यहाँ पे विक्स ले लिया यहाँ से, देख रहे हैं। ऐसे आपको क्या होगा, 4 घंटा 5 घंटा पकड़ना पड़ेगा सारा मार्केट को। अब देखिए यहाँ पे क्या, इधर है, इधर देखो यहाँ पे गैप आ गया, इधर यहाँ पे देखो गैप है सर, यहाँ पे देखो यहाँ पे है, इसको ही फिल करने आना चाहिए, इस कैंडल का है, इस कैंडल का लो, ये कैंडल का है, इस कैंडल का लो है, देखो यहाँ पे। अब मार्केट यहाँ से आएगा, जितना देर में यहाँ तक आएगा, ये गिरेगा यहाँ तक, फिर यहाँ से क्या वो ऊपर चला जाएगा। चलो इसको थोड़ा प्ले करके देखते हैं, देखो आ गया सर यहाँ पे, देखो फिल कर दिया, यहाँ पे गिर गया। ये 4 घंटा में इसलिए पता चलेगा ना, 15 मिनट आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा सर। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और आगे क्या होता है, आप खुद बताइएगा।
अब मुझे बताइए कहाँ पे गैप है, कहीं पे देखिए। और यहाँ तक खत्म हो गया ये चार्ट, ठीक है। तो इसी ढंग से थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा गैप फिल के, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, मार्केट वहीं से आएगा। यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे ये, यहाँ पे गैप था, ये दोनों का गैप था। यहाँ पे देखो मार्केट इसको टच किया यहाँ पे, फिर यहाँ से मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यू गिरा यहाँ पे, देख रहे हैं। इस गैप को फिल किया, आप देखो यहाँ से इस गैप को फिल किया, यहाँ से फिल किया और नीचे गिरा। उसी तरह थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा नीचे चलते हैं, इधर तो कहीं गैप ही नहीं है, और थोड़ा इधर दिखाओ। चलो देखो इधर का, इधर इधर देखो, इधर इधर गैप है कहीं, देखो ये दोनों तो मिटिकेट कर दिया। इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो, हाँ इस कैंडल के बीच में देखो गैप है यहाँ पे। ये कैंडल देखो सर, ये कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई, देखो इस कैंडल का हाई है। इसको फिर करने आया यहाँ पे, देखो फिर किया यहाँ पे। मैं 30 मिनट का लगा रखा हूँ, देखो टाइम फ्रेम। अब अगला राजनीति क्या होने वाला, अभी जो मार्केट में अभी ऊपर आएगा ना, अभी का अभी मार्केट में कल क्या होने वाला है उसका मैं देखो यहाँ पे। अभी मुझे बताइए बेटे, यहाँ पे बताइए कहाँ पे सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ, देखिए कहाँ पे गैप है। ये गैप है यहाँ पे, यहाँ तक मार्केट आएगा, इधर देखो। अब बताओ इधर इधर की तरफ, इधर इधर यहाँ पे देखो कहीं पे है गैप, फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे। ये देखो इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो है यहाँ पे। तो अब इसको फिल करने आना चाहिए यहाँ पे, एक रेक्टेंगल लेते हैं। यहाँ पे एक रेक्टेंगल लो यहाँ पे, इसको ऐसे मार्क कर दो, लंबा करके बढ़ा दो, इसको यहाँ तक मार्केट आएगा। देखो आ गया। अब नीचे देखो तो नीचे कहीं है गैप क्या? नीचे है ना, ये ग्रीन कैंडल लगा है, तो अब चलो यहाँ पे देखो, यहाँ कल का भी है, 29 का भी है, आज का भी है। 29 कहाँ है? हाँ ये 29 तारीख से आज यही तो है, अब कहाँ पे दिख रहा है मुझे। ये तो थोड़ा सा ये भी है, तो ये तो साइड में इसको तो फिल कर दिया। नहीं, वो तो फिल हो गया ये। हाँ ये, ये भी तो फिल हो ये गया, देखो गैप, ये भी तो फिल हो गया। हाँ ये गैप है। यहाँ टेस्ट किया क्या, देखो यहाँ टेस्ट किया कि नहीं किया, आज ही तो क्या फिल किया इसको, अभी के हिसाब से पूरा देखो। काम किया गया। अरे सर गैप फिल करे, जोन को मार्किंग करता है, जोन को पकड़ता है ना, ये आपका थोड़ी जोन पकड़ेगा, वो जोन है ना, ये जोन होता है, ये जोन होता है, समझिए। इसको अच्छा फिल करेगा, कोई जरूरी थोड़ी कि यहाँ तक आएगा। तो ये वीक 30 टेस्ट किया ना यहाँ पे, पूरा थोड़ी है कि मार्केट ऐसे जाएगा, पूरा यहाँ टेस्ट करेगा ऐसे गिरेगा। बस एक वीक्स लगाए यहाँ पे स्पाइक, अब यहाँ पे स्पाइक लगाए तो समझ लो आप कहाँ तक मार्केट, यहाँ तक स्पाइक लगाए, ये लाइन आपका क्या हो, यहाँ से लेके गया यहाँ से। अब पूरा सोचो कि यहाँ तक आएगा, तो वो नहीं है ना पॉसिबल, एवरेज लेके चलना पड़ेगा। इसलिए तो मैं, कभी कभी पूरा ही फिल करता है ना, बैग में देखा है अभी, इसलिए। वो पूरा फिल करेगा, लेकिन क्या होता है ना कभी कभी, देखो जोन, मैंने क्या क्लास बताया कि जोन मार्किंग करना है आपको। ट्रेंड के हिसाब से, अब ट्रेंड में तो वो तो टच करके ही निकल जाता है। हाँ वही, अब यहाँ पे देखो, अब कल क्या है, देखो ये यहाँ पे गैप है, ये देखो ये गैप है यहाँ पे, देखो है ना गैप, ये इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का, देखो इस गैप का, इस गैप को कल फिल करने आएगा मार्केट यहाँ पे, और फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ देखो तो यहाँ भी एक गैप था कि नहीं था, देखो इस कैंडल को छोड़ो, इस कैंडल का हाई लो, इस कैंडल का लो, देखो गैप है, यहाँ से फिल किया, हाँ कर दिया एक्चुअली। इसको बोलते हैं हम लोग फेयर वैल्यू गैप, समझ रहे हैं। बड़ा बड़ा कर ऐसे गैप होता है, तो गैप को फिल करने आता है। यहाँ तक तो कोई डाउट है तो बताइए। नहीं, नो डाउट।